हेलो दोस्तों, वेलकम टू तनुज व्लॉग एंड टिप्स। तो देखो, हम गए थे बंगाल में, तो इसका एक फुल व्लॉग मैं देना चाहती थी लेकिन वो बनी नहीं थी। तो ये देखिए, मैंने बनाया था यहाँ पर चिकन और मटन भी मैंने बनाया था। तो इसका आगे का पार्ट मेरे फ़ोन से डिलीट हो चुका है जो मैं दे नहीं पाई। और ये देखिए, बनरात में खाना बना रही थी चूल्हे में, क्योंकि गाँव में जाकर चूल्हे में खाना बनाने का मज़ा ही कुछ अलग है। गैस में तो बना बना के हम खाते ही हैं। यह है मेरी मासी की छोटी बेटी, मेरी बहन है। तो मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे। ये देखिए, मेरा नाना नानी मतलब मेरे दीदा दादू, वो भी आए थे। सर्दी का टाइम था, जनवरी में सर्दी थी, तभी तो हम मेरे हस्बैंड मेरे को लेने गए थे, मेरे को मेरे बेटे को। तो ये देखिए, तो मेरे दादू फोन में बात कर रहे थे। और ये देखिए, ये हमारा घर का अंदर है और दूसरा वाला रूम है। यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। ये मेरी मम्मी बोले जल्दी कर लो, कुछ हेल्प कर दे क्या। और वो वीडियो बना रहे थे, वो पूछ रहे थे कि क्या बना रहे आपकी बेटी इतने दिनों बाद यहाँ पे चूल्हे में, बताओ आपको कैसा लग रहा है, ये पूछ रहे थे वो। तो मैंने बनाया था फ्राइड राइस और बनाया था चिकन और मटन। तो यही सब डिश था, क्योंकि इसके अगले दिन हम कोटा आने वाले थे। तो मैंने सोचा चलो हम खाना वाना बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा खाना बना रही थी। और ये था हमारा पीछे का पार्ट, मेरे पापा नहा रहे थे, मेरी बहन शायद इधर मेरे बेटे के पास लेटी थी क्योंकि मेरा बच्चा सो रहा था इसीलिए। तो आप सबको मैं फिर से दोबारा जब बंगाल जाऊँगी, दूसरी जगह जाऊँगी, तब आप सबको अच्छे अच्छे वीडियो दूंगी, वीडियो व्लॉग देने की ट्राई करूँगी। तो देखिए, ये है फ्राइड राइस, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, इसका रेसिपी शेयर करूँगी। देखिए, मटन, ये रहा मटन, और ये है चिकन, और ये है फ्राइड राइस। ऐसे ऐसे रेसिपी, ऐसे ऐसे ब्लॉग के लिए तनुज ब्लॉग को सपोर्ट कर